हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे. बाय. थैंक यू सो मच सर. सो विद इन फ्यू मिनट्स आई स्टार्ट आवर प्रोग्राम बिकॉज अभी हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स और गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ ही समय में हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे. इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है. कुछ ही क्षणों में हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे. हमारे जो आज के स्पेशल स्पीकर हैं, हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, नितिन कुमार जी पटेल, वो अभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं. कुछ ही क्षणों में प्रोग्राम कार्यशाला में आप लोगों ने गूगल ड्राइव पर लेक्चर सुना, जो निश्चित ही आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा. मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को कहीं ना कहीं
इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, निश्चित ही आप लोगों के लिए यह हेल्पफुल रहेगा। तो आज के भी नितिन पटेल जी के द्वारा आज भी आपको लेक्चर दिया जाएगा, वो YouTube लाइव रिकॉर्डिंग पे होगा, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी जो युग चल रहा है चैनल लॉन्च करने का, अब अगर कोई हाउसवाइफ भी है तो वो अपने चैनल को लॉन्च करती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज की कार्यशाला निश्चित ही आप लोगों को लाभान्वित करेगी। Now with good wishes and kind permission of the organizing committee, we are going to start this FDP. Hello everyone, good afternoon. On the behalf of government, MH College of Science and Women Science and Science for Women Autonomous Jabalpur, 1 week faculty development program on information communication technology tools in teaching for higher education methodology. तो आज के महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में, जो कि कल दिनांक 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 6 दिवसीय प्रोग्राम है ये, जैसा कि आपको मैंने शेड्यूल से आपको कल भी अवगत कराया था। तो आज इसका द्वितीय दिवस है, दिनांक 21/2/2008 है, और आज इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का इस महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ, पुनः स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नितिन पटेल जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आज आपको YouTube लाइव रिकॉर्डिंग स्ट्रीम शेड्यूल के बारे में बताएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका हमारी लाइफ में, हमारी किसी भी कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल है, लेकिन हमको इसका सही इस्तेमाल ना पता होने के कारण हम अपने चैनल या अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च नहीं कर पाते हैं। आप अभी जैसा युग देख रहे हैं कि लगभग हर टीचर यूट्यूब में हैं, उनके अपने पर्सनल चैनल बने हुए हैं। कोविड ने हम सबको अगर कुछ सिखा दिया तो ये सिखा दिया कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी को जारी करके आपस में कनेक्ट रह सकते हैं और घर में सुरक्षित रहकर भी अपने ऑफिसेज, अपने कॉलेज और अपने स्कूली शिक्षा या किसी भी तरीके के वर्क को घर में रहकर भी कर सकते हैं। तो मैं श्री नितिन कुमार पटेल जी का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर माता गुजरी महाविद्यालय ऑटोनॉमस जबलपुर, डायरेक्टरेट इंडियन टीच ICT सॉल्यूशन से हैं, मैं उनका फिर से स्वागत करती हूँ। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, नितिन कुमार पटेल जी, जिन्होंने 200 पेपर्स IT प्रोजेक्ट के लिए वेबसाइट सॉफ्टवेयर एप्स में एप्लीकेशन भी डाउनलोड किए हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आपने इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आप वेबिनार के माध्यम से या लेक्चर्स के माध्यम से उनको सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में भी जानकारियां प्रदान करते हैं। मैं सर का स्वागत करती हूं, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम। वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम,
सर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो नो प्रॉब्लम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके सर, ओके सर. वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन आईसीटी टूल्स इन टीचिंग फॉर हायर एजुकेशन मेथोडोलॉजीज. इस कार्यक्रम की चीफ पैट्रॉन प्रोफेसर लीला भलावी मैडम, एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन जबलपुर डिवीजन, पैट्रॉन डॉक्टर अखिलेश आयाची जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमएच कॉलेज ऑफ होम साइंस, कन्वेनर प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एमएच कॉलेज, को कन्वेनर प्रोफेसर के एस भाटिया जी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गिरीश वर्मा जी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और एफडीपी कंडक्शन जो मैडम के द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर दुर्गा मिश्रा जी. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया, और करंट सिनेरियो को देखते हुए ये जो इवेंट है ये बहुत लाभदायक भी सभी के लिए होगा. जैसे कि मैडम ने भी बताया कि विषय जो मुझे दिया है उस विषय के अनुसार मैं काम करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपको. मैं लाइव स्ट्रीम की जो बात की है, यूट्यूब की जो बात की है, सबसे पहले तो किसी का माइक ओपन है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. यूट्यूब लाइव की बात करें तो यूट्यूब लाइव के लिए सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए मेल आईडी. ठीक है, जीमेल की बात करें तो जीमेल की फैसिलिटीज है बहुत सारी. जीमेल की फैसिलिटीज है जैसे, सॉरी, गूगल की फैसिलिटीज जैसे जीमेल फॉर मेलिंग, YouTube फॉर वीडियो, इस तरह की फैसिलिटीज हैं. तो जो YouTube है, YouTube पहले किसी और कंपनी के पास था, उसके बाद इसका टाई अप होने के बाद क्या हुआ, Google कंपनी और YouTube दोनों कंबाइन हो गई और Google ने YouTube को परचेज कर लिया, और फिर सारी सर्विसेज जो YouTube की है वो Google के चैनल पर हमें मिल पाती हैं. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले हम बताएंगे आपको Google का YouTube का चैनल कैसे क्रिएट करते हैं. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप मुझे बताइएगा स्क्रीन के आपको शेयर हो रही है. ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है. हाँ जी सर. जी थैंक यू मैडम. यस सर. अब अगर आपको चैनल बनाना है, ठीक है, यूट्यूब में चैनल बनाना, चैनल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास गूगल अकाउंट हमारा होना चाहिए. ठीक है, तो आप गूगल अकाउंट बना सकते. कल आपको धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने आपको बताया होगा किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको ड्राइव शेयर करना है, कैसे एक्सेस करना, वो सब बताया होगा. तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ज्यादा जूम हो गया. देखिए ये 9 डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये 9 डॉट्स कहलाते हैं गूगल एप्स. ठीक है, गूगल एप्स मतलब एप्लीकेशंस. इसमें सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी आपको जिसमें आप काम कर सकते हैं. ठीक है, इस ऐप में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन यूट्यूब का. ठीक है, यूट्यूब का ऑप्शन आपको मिलेगा. हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं.
यूट्यूब में क्लिक करने के बाद ये तो सब रिसेंटली जो आ रहे हैं, जो चीजें दिखती हैं, जो चलती हैं लगातार, वो सब दिखती हैं। ठीक है, तो इसमें आप कैसे काम करें? ठीक है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए बहुत बड़े स्टेप्स नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ कहाँ क्लिक करना होता है, यहाँ पर, या हमें योर चैनल पे क्लिक करना होता है। क्योंकि मेरा इस पेज पे चैनल बना हुआ है, तो मैं आपको दूसरा अकाउंट एक्सेस करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है स्विच अकाउंट, स्विच अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मैं। ये मैंने स्विच किया, यहाँ पे काफी सारे पेजेस दिख रहे हैं जिसमें, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, अब देखेंगे ये ऑप्शंस हमारे पास आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ लिखा है अपलोड अ वीडियो या गो लाइव ऑप्शन, अपलोड या अपलोड अ वीडियो और गो लाइव ऑप्शन, दो ऐसे ऑप्शन आपको नजर आते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ चैनल ऑप्शन, क्रिएट अ चैनल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आ रहा है योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं गेट स्टार्टेड, नो थैंक्स, गेट स्टार्टेड कर लीजिए। पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये सजेस्ट करता है, जैसे चूज हाउ टू क्रिएट अ चैनल, ये लिंक आपको देगा। ठीक है, जैसे ये योर नेम से, ये कस्टम है, तुरंत नाम से बन जाएगा, इसको कस्टम भी हम कर सकते हैं, कस्टमाइज करके बना सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको नाम से लेता हूँ। यदि आप उस अपने नाम से कोई अपनी कंपनी का या कोई कॉलेज का बनाना चाहते हैं यूट्यूब चैनल, तो आप कस्टम ऑप्शन पे जाएंगे। कस्टम ऑप्शन में सब आपको एक एक करके ऑप्शन देंगे, कस्टम ही मैं लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया कस्टम। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने देखा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे लिखा ऐड चैनल नेम, यहाँ पे चैनल नेम देता हूँ मैं। सपोज मैंने चैनल नेम दे दिया इसमें बीएन टेक, स्ट्रीम, ऐसा मैंने नाम रख दिया। ठीक है, लाइव स्ट्रीम नाम रख दिया। और ये इसमें कुछ पॉलिसीज होती है, जैसे कि ब्रांड नेम जो होता है वो सेम नहीं होना चाहिए दूसरों से, और अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल में दूसरे के कंटेंट हमको नहीं डालने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे के कंटेंट आप डालते तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, आप उसमें मेंशन करेंगे क्लियरली। सपोज आपने एक वीडियो लिया इंटरनेट से, डाउनलोड किया और उसको अपने चैनल में अपलोड किया, उसमें अपलोड आप करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या जो कुछ है, अगर किसी क्रिएटर ने पहले उसको डाल के रखा तो वो गूगल क्या है, उसको वो एक्सेस कर लेगा, गूगल के पास सब रीडिंग रहती है उसकी। ठीक है, जैसे पीएचडी वगैरह में होता है ना, जो रिसर्च पेपर प्रिंट होते हैं, आपने पता चला इंटरनेट से कोई कंटेंट लिया, तो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जैसे ऑरकुंड एक सॉफ्टवेयर है, वाइपर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो कंटेंट आप पुटअप करते हो, ठीक है, उन कंटेंट को वो अपने वो डेटाबेस में रखते हैं, और उस डेटाबेस से वो मैच कर लेते हैं कितने परसेंट डेटा आपने कॉपी किया है। अगर सेम टू सेम कॉपी किया है तो आपका पेपर ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसी तरह से वीडियो के साथ भी होता है, आप अगर दूसरों कंटेंट को लेंगे, अगर वो क्लेम करता है, इनकेस आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है उस वीडियो से, तो क्या होगा, सामने वाला क्लेम करेगा और आपको उसको पे करना पड़ेगा उसकी पॉलिसी के अनुसार। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम काम करेंगे। आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं मैं, ये क्रिएट पे क्लिक किया, थोड़ा समय लेगा ये। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे हम YouTube स्टूडियो के अंदर अब जाने वाले हैं। YouTube स्टूडियो वो एरिया है जहां पे हम अपना गो लाइव ऑप्शन, वीडियो अपलोड, ये सारे काम करेंगे। अब देखिए ये बोला अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, हम यहाँ प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं, और ये बोल रहा है अपलोड अ पिक्चर, और यहाँ पे हम चैनल का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, मैं करता हूँ फिलहाल। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अपलोड पिक्चर पे, क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ,
मैं ये लगा देता हूँ अभी, ठीक है? कुछ इमेज मुझे मिल नहीं रही है, तो नर्मदा जी के चित्र लगा दिया छोटा सा, ठीक है? बाद में रिप्लेस भी कर सकते फ्यूचर में, ठीक है? मैंने ये सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अबाउट द चैनल, ठीक है? तो इसमें आप इस चैनल के बारे में लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, वी प्रोवाइड इन सॉल्यूशन और एवरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू आईटी। ये हो गया। क्या हम वेबसाइट अपना डाल सकते हैं? तो मैं अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ। यूआरएल एक्चुअली ये होना चाहिए, HTTP:// फिर ये सारा पूरा सेटअप लगता है, इसलिए वहां से हमें देखना पड़ता है। यहाँ फेसबुक पेज आप लगा सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर का पेज लगा सकते हैं, इसके बाद आप इंस्टाग्राम पेज पुटअप कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही पुटअप करता हूँ, और मैं करता हूँ यहाँ सेव एंड कंटिन्यू। ये मैंने किया सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक। अब आप देखेंगे आगे ये सेटअप कर, और थोड़े समय बाद ये सेटअप कर लेगा क्लियरली। ये एक तरह की फ्री सर्विस है, इसको आप अच्छे से यूज करें ना, मतलब फ्री अगर सर्विस है तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी हमारे लिए होते हैं ना, उन कंस्ट्रेंट को याद रखें। अगर आपको म्यूजिक लेना है तो आप इस तरह की म्यूजिक ना लें जिसे कि क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है? देखिए ये हमारा एक तैयार हो गया। अभी इसमें लिखा है इंडियन टेक नो सब्सक्रिप्शन, ये होम वीडियो प्लेलिस्ट चैनल डिस्कशन अबाउट, ये अबाउट में इतना डेटा हमारे पास लिखा है। जैसे कोई वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट हमारी ओपन होगी। ये लिखा ज्वाइन Feb 21, 2021, ठीक है? ये सारी चीजें आपको दिख रही है। होम टैब में आप देख पा रहे हैं ये लिखा अपलोड वीडियो ऑप्शन, यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। चैनल को आप कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं कभी भी। इसे कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं, कस्टमाइज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आया ना लर्न मोर। अब हमें लर्न करने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी जानकारी आ रही है कि करके आ रही जानकारियां। जैसे ब्रांडिंग ऑप्शन, ये ब्रांडिंग ऑप्शन है, ये इमेज का बैनर है। जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना, कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, तो वहाँ ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ एक आपको ब्रांड नेम दिखाई देता है, ये वो ब्रांड इमेज है, बैनर इमेज है, ठीक है? लोगो तो हमारा लगा हुआ है प्रोफाइल पिक। उसके बाद एक ऑप्शन दिया वाटरमार्क का। वाटरमार्क वो एरिया है जैसे हम कोई वीडियो ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो एक इमेज लग जाती है, दिखाता हूँ। ये एक और चल रहा है हमारा जबलपुर नवरात्र करके, ठीक इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये
ये एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा रुकिएगा, ये देखिए एक मिनट। ये देखिए साइड, यहाँ देखिए आप एक लिखा, ये हल्का से ये लोगो बना हमारा, ये त्रिशूल है छोटा सा, इसमें लिखा हुआ जबलपुर नवरात्रि, ये लोगो है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको क्लियरली दिखा पाऊँ मैं। ये देखिए ये ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक नया ऑप्शन आता है सब्सक्राइब का, आप सब्सक्राइब भी करा सकते हैं अपने यूजर्स को। तो जो ब्रांडिंग ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट आप वीडियो अपलोड करेंगे ये ब्रांडिंग यहाँ पे जुड़ जाएगी, उसके लिए वो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है। एक बार आप सेट कर देंगे, कई बार ये होता है वीडियो हम जल्दी में अटैच करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर वीडियो में हमारा लोगो वहाँ अटैच हो जाए, तो उस ऑप्शन से लोगो अटैच हो जाएगा। ये हो गया आपका वीडियो तैयार, ठीक है, मतलब चैनल तैयार। अब इसमें है एक चैनल ऑप्शन, ठीक है। चैनल ऑप्शन क्या है, चैनल क्या है, जैसे अभी लिखा दिस चैनल इज डज नॉट अ फीचर एनी अदर चैनल, ठीक है। चैनल क्या है, जैसे हम कोई एक कार्यक्रम, जैसे अभी एक FDP चल रही है अपने कॉलेज की, चल रही है होम साइंस कॉलेज की, उस पर लिखा 1 वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर हम चैनल क्रिएट करते, चैनल का नाम ही हम क्या रखते हैं, 1 वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इस चैनल में डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, ऐसे करके 6 वीडियो एक साथ अपलोड होते हैं या एक एक करके अपलोड होते हैं। तो जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो अपलोड करते समय वो हमसे पूछेगा कि आपको किस चैनल में वीडियो अपलोड करना है, अगर चैनल नहीं है तो नया चैनल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चैनल को अटैच करके आप अपलोड करेंगे वीडियो, तो वो चैनल में सीरीज में आएगा। जैसे आपने एक वीडियो देखा डे वन का, जैसे ही खत्म होगा वीडियो सेकंड डे का अपने आप चालू हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा सेकंड डे का अपने आप थर्ड डे का चालू हो जाएगा। तो ये सीरीज रहती है इस तरह की, आप देखते हैं यूट्यूब में एक वीडियो खत्म होने के बाद दूसरा वीडियो लगातार चलता है, तो वो उसी ऑप्शन से होता है, किससे, चैनल से। तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ गो लाइव ऑप्शन, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइव कैसे करना है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको क्रिएट ऑप्शन, इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से बताता हूँ मैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए ये क्रिएट ऑप्शन है, ये क्रिएट विकल्प, इस क्रिएट विकल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, अपलोड वीडियो और सेकंड वन गो लाइव। अपलोड वीडियो में कुछ भी नहीं है, एक ऑप्शन खुलेगा, आपको वीडियो अपलोड करना है, उसमें आप थंबनेल ले सकते हैं, उसमें आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, सब बना सकते हैं। मैं आपको गो लाइव दिखाता हूँ, अब मैं लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ, लाइव पे क्लिक करने के बाद क्या है ऑप्शन आ रहा है, देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग इजंट अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है, क्या बोला, लाइव स्ट्रीमिंग इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, क्यों ऐसा बोल रहा है ये, हम करेंगे इनेबल, ये इनेबल पे क्लिक किया, क्या लिखा, गेन एक्सेस टू दिस फीचर्स, ठीक है, तो हम इसको करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या है, हमें कंट्री लेनी पड़ेगी, जैसे कंट्री हमने बाई डिफॉल्ट इंडिया है, कॉल मी और टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज ले लो, क्योंकि इन लोग इतना तेजी से बोलते हैं कि मैं समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेज मैंने लिया, अब यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया और किया सबमिट। सबमिट करने के बाद मेरे सेल पे क्या होगा, एक वेरिफिकेशन 6 डिजिट का कोड आ गया, कोड आ चुका हमारे पास, मैं कोड को पुटअप करता हूं। कांग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब चैनल अकाउंट इज नाउ वेरीफाई, है ना, हम आगे इसमें काम करेंगे। अब करते इनेबल, अब नहीं पूछेगा हमसे ये, हो गया। ये हो गया, अब एक मैसेज देखें आप क्या लिखा है इसमें, रेडियन 24 आवर्स, इज इट टेक्स 24 आवर टू एक्टिवेट योर अकाउंट फॉर अ लाइव स्ट्रीमिंग, वंस एक्टिवेटेड यू कैन गो लाइव इंस्टेंटली। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जानकारी नहीं होती है और हम अपनी थोड़ी सी जानकारी पे क्या कह देते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा लाइव, ये ऑनलाइन हम कल कर देंगे,
आपने तो बोल दिया, लेकिन पहले इन टर्म्स एंड कंडीशन को समझे। आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट होने के 24 घंटे बाद ही आप उसको क्या कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। उसके पहले लाइव नहीं होगा, शेड्यूल भी नहीं होगा किसी भी हालत। देखो सारे डीएक्टिव हैं ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन डीएक्टिव है, ये काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके क्या करना होगा, 24 घंटे के बाद आप उस पर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक चैनल मेरा है जो बना हुआ है उसपे क्या करते हैं, हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं करते हम। अकाउंट स्विच करते हैं यहां से, ये स्विच अकाउंट ऑप्शन है। ये आ गए, ठीक है। इस पे एक हम चैनल, सॉरी, वो क्रिएट करेंगे। इसके लिए गो लाइव पे क्लिक करना। देखिए हमारा ये प्रीमियम सीरीज में आ चुका है चैनल। ठीक है, तो और क्या होता है, जैसे अब यूआरएल ना, हमें कस्टम यूआरएल मिल चुका है, तो हमारे नाम से ये, अब जैसे ये लाइव प्रोजेक्ट इंडिया आप टाइप करेंगे गूगल पे, तो डायरेक्टली हमारा ये लोगो इस तरह का आएगा और ये सब डेटा लिखा हुआ आता है। तो यहाँ देखिए अपलोड ऑप्शन, गो लाइव और क्रिएट अ पोस्ट, पोस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज आती। तो ये लिखा गो लाइव ऑप्शन, गो लाइव पे मैंने क्लिक किया। देखिए आ गया ना, नाउ अपकमिंग, नो अपकमिंग स्ट्रीम, मतलब कोई भी स्ट्रीम नहीं है, पहले हो चुकी है। अब हमें लाइव करना, किस तरह से लाइव करेंगे, जैसे लिखा ना शेड्यूल लाइव स्ट्रीम, मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन आया, मैं इसको करता हूँ क्रिएट अ न्यू पे क्लिक। ये क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आया, इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्रिएट अ टाइटल, टाइटल हम क्रिएट कर, जैसे कि अभी हमारा एक इवेंट होने वाला है जबलपुर नवरात्र संस्थान से, तो मैं उसका एक छोटा शेड्यूल कर रहा हूँ। ठीक है, सेटअप ये होना चैत नवरात्र में है, लेकिन मैं अभी ऐसा एजम्पशन कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम आज से ही है, क्योंकि हमें आपको लाइव करके दिखाना है। यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट, इसको हमेशा पब्लिक करिए, अदरवाइज क्या होगा, कोई देख ही नहीं पाएगा उसको, प्राइवेट रहेगा तो आप जिसको चैनल भेजेंगे बस वो ही देख पाएगा और किसी को सर्च नहीं होगा, तो आप इसको पब्लिक कर दीजिए। फिर ये है डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं कुछ निकाल लेता हूँ, कंटेंट इसी कंटेंट को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ वहां। ठीक है, ये कंटेंट मैंने डाल दिया, जैसे वेबिनार होता है, सेमिनार होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, उसको अगर लाइव करना तो आप यहाँ पे ये सेटअप कर सकते हैं, पहले सेटअप करेंगे इवेंट के 10 दिन पहले, 6 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, ताकि लोगों को हम यूट्यूब का चैनल भी भेज पाए, ये हमने किया। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ काफी सारे ऑप्शन दिए, जैसे एंटरटेनमेंट है, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है, ये सब सारी चीज दी हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल जो हमारा जा रहा है ये जाएगा पीपल्स एंड ब्लॉक्स पे, ना तो एंटरटेनमेंट का कोई कंसेप्ट है इसमें, ना टेक्नोलॉजी है, ना एजुकेशन है, ये जाएगा पीपल्स एंड ब्लॉक पे। ठीक है, ये है, यदि आप स्कूल कॉलेज के लिए कोई, बच्चों के लिए कोई इवेंट करा रहे तो उसमें जाएगा एजुकेशन में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीजिए। तो आप इस तरह से चूज कीजिए, कोई म्यूजिकल कार्यक्रम तो म्यूजिकल ले सकते हैं हम ये। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा उसको सेट कर सकते हैं, मैंने फिलहाल लिया पीपल्स एंड ब्लॉक्स ऑप्शन पे, क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें स्ट्रीम का ऑप्शन है, मतलब इसमें कैलेंडर है, उसको सेट कर सकते हैं। मैं अभी का ही शेड्यूल कर रहा हूँ, अभी 3:03 हुआ है, मैं शेड्यूल कर रहा हूँ 3:06 का। ठीक है, और थोड़ा सा और ज्यादा लेते हैं ना, ये 21 फेब, और ये लिए 3:10 है, मैं इसको कर रहा हूँ 3:10 ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये 3:10 मैंने किया। ये एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं नीचे, ये है अपलोड कस्टम थंबनेल ऑप्शन। थंबनेल ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन का जो, इस ऑप्शन से हम एक उसका प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं, जब लोगों को वीडियो देखेगा तो किस तरह से नजर आएगा। अपलोड पे क्लिक करता हूँ मैं,
एक हमने प्रोफाइल पिक लगा दिया यहाँ पर, यहाँ दो ऑप्शन है, इसको ऑलवेज करिए, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। क्या अगर ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे तो आपको बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती इसमें, ठीक है, उसको रिमूव करके हमें ये पे क्लिक करना है, तो फिर क्या ये इजीली चलेगा, मतलब ये 18 से कम के बच्चों के लिए नहीं है, मैंने 18 से ज्यादा वालों के लिए है, और चूंकि हमारा कोई ऐसा तो है नहीं है, वो सभी लोग कर सकते हैं एक्सेस, लेकिन हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेफ रहें, ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन पे ही क्लिक करें हमेशा। पर हम क्लिक करें क्रिएट अ स्ट्रीम पे क्लिक, ये देखिए हमने मैंने क्लिक किया, ये स्ट्रीम क्रिएट हो रही है, ये देखिए इस तरह से हमारी स्ट्रीम क्रिएट हो गई है, तैयार है पेज, ठीक है, ये है स्टूडियो ऑप्शन, है ना, ये लाइव स्ट्रीम का स्टूडियो जहां से हम पूरा का पूरा ऑनलाइन का सेशन लेते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि यूट्यूब पे तो हमने लाइव कर दिया, अब जैसे कि ये चल रहा है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे कहना जा रहा है कि स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, और साथ में ये जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं जैसे कि विकास जैन जी जुड़े हैं, ये जैन मैडम हैं और ओश्मी मोदी हैं और ये मैडम जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये स्क्रीन कैसे शेयर हो सबको, आप इसके साथ साथ हो सकता है ना कि आपकी स्क्रीन पे कोई वीडियो चल रहा हो, तो ये सेम टू सेम स्क्रीन को हम भेज सकते हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन। कैसे भेजेंगे देखिए, इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, ठीक है, डायरेक्ट इससे आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं नहीं है, ठीक है, पॉसिबल इस तरह से होगा या तो फिर आप वीडियो लगाएं, जैसे कि वहाँ इवेंट हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे कैमरे लगे होते बड़े बड़े, ठीक है, तो उनको हम स्ट्रीम सॉफ्टवेयर से स्ट्रीम, लेकिन वहां पे भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया, मैं अभी बैक करता हूँ फिलहाल, ठीक है, माना कि हम अब ये हमने बना के छोड़ दिया था स्ट्रीम, ठीक है, अब हमें लोगों को शेयर करना है, तो ये शेयर ऑप्शन है, देखिए ये बना पिन का ऑप्शन, ये शेयर ऑप्शन कहलाता है, इस पर मैंने क्लिक किया, और ये देखिए अपकमिंग में मैंने ये कॉपी किया यहाँ से, और ये कॉपी मैंने यहाँ पेस्ट किया, ये देखिए यहाँ पे कैसे शो होगा, देखिए किस तरह से शो हो रहा है कि भाई इवेंट होने वाला ही है, ठीक है, ये देखिए ये लिखा जबलपुर नवरात्र लाइव प्रोजेक्ट इंडिया, और यहाँ से लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी लोग पहले से लाइक करना चाहें, कोई मैसेज भी कर सकता है, ठीक है, तो ये लोगों को देखेगा, लेकिन अभी क्या है ये रिमाइंडर भी है, सेट भी रिमाइंडर कर सकते हैं, ये अब इसमें कितना बचा, 2:10, 2 मिनट बचा बस, है ना, ऑन होने में, तो मैं इसका जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो, ठीक है, OBS स्टूडियो, क्या गया OBS ऐप, आपने लैपटॉप के अनुसार डाल सकते हैं, 64 बिट है, 32 बिट है, उसको आप इसमें लगा सकते हैं, फिलहाल जो मेरा लैपटॉप है वो 64 बिट का है, मैं ओपन करता हूँ उसको, ठीक है, देखो लैपटॉप की जो अभी जनरेशन है ना वो अच्छी होनी चाहिए, अभी जो लेटेस्ट है, जो नए ऐप आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो 7th जनरेशन और उसके ऊपर के सिस्टम को ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो सबको कर रहे, करना ही पड़ेगा सपोर्ट उनको, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बंद नहीं होगा, लेकिन जो हैवी ग्राफिक्स और जो एडवांस ग्राफिक्स हैं उस पर बहुत निर्भर करता बहुत कुछ, अगर आप लाइव करने जा रहे हैं तो वो ग्राफिक्स आपके सिस्टम के एकदम परफेक्ट होने चाहिए, तब आपका वीडियो बिना टाइम लिए आपकी स्क्रीन को जो है दूसरे तक शेयर करेगा। अब देखेंगे आप, ये हमारे पास आ गया OBS स्टूडियो का सेटअप बॉक्स, ठीक है, मतलब ये बॉक्स आ गया, सेटअप बॉक्स ना बोले हम इसको, डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं, मिनिमाइज करता हूँ फिलहाल स्क्रीन और इसको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये ऑप्शन देख रहे हैं अभी ब्लैंक है, ये खाली है, इसकी सेटिंग कैसे करनी होती है, ये लिखा विंडो कैप्चर ऑप्शन, इसको बंद करूंगा पहले मैं, ये करता हूँ मैं यहाँ से रिमूव, ये मैंने कर दिया रिमूव, ठीक है, अब स्क्रीन लेने से पहले वो स्क्रीन ओपन कर लें जिसको हमें शेयर करना है, तो मैंने ये ले ली स्क्रीन, ये वाली, और यूट्यूब का ये लिया, अब यहाँ देखें आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, यहाँ ऑप्शन में दिख रहा प्लस का सिंबल, प्लस सिंबल दिख रहा है, आपको क्या करना है, प्लस सिंबल पे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा विंडोज कैप्चर, विंडो कैप्चर ऑप्शन है, इस विंडो कैप्चर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ एक विंडो आएगी, आपको कुछ भी कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओके करना है, ओके जैसे मैंने किया, अब आप देखेंगे ये देखिए स्क्रीन पे आने लगा ना, ये स्क्रीन कॉपी यहाँ होने लगी, ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्रीन कुछ कट रही है, ठीक है, अभी इसको सेटअप करेंगे, यहाँ लिखा विंडोज, विंडोज में यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, कैलेंडर ये मिलेगा, तो गूगल क्रोम EXE हमें लेना है और करना ओके,
ओके करने के बाद आप देखेंगे इस तरफ का सेक्शन कट रहा है, मतलब यहाँ पे जो गेस्ट की फोटोज लगी हैं वो फोटोज यहाँ नजर नहीं आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे लेना फिट टू स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म पे फिट टू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, देखिए अब स्क्रीन देखिए फिट होके आने लगी यहाँ पर, ये इस तरह से स्क्रीन ये पूरी फिट होगी। ठीक है, ये हो गया सेटअप हमारा। और हमें क्या करना होगा, कुछ सेटिंग्स इसमें होती है, उन सेटिंग्स को समझना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ एक बार। सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद जनरल सेटिंग में देखिएगा, यहां पे ये देखो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड व्हेन स्ट्रीमिंग, कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्ट्रीमिंग स्टॉप, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन पर टिक करना है। और ये सिस्टम ट्रे इनेबल करना हमें, ठीक है, इन चीजों पर टिक करना हमेशा जरूरी है। और ये ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट्स ऑन सेटअप, मतलब अपडेट्स भी ऑटोमेटिक लेते रहे भाई, ये कभी भी इसको जरूरत पड़ेगी अपडेट्स की, ठीक है, ये भी कर सकती है। फिर हम देखेंगे स्ट्रीम ऑप्शन, इसका उपयोग अभी होगा, इसमें हमेशा यूट्यूब लें, यूट्यूब गेमिंग सेटअप, ठीक है, और बैकअप सर्वर जो यूट्यूब का बाय डिफॉल्ट वो रखिए। इसमें जो लिखा है ये की, इसमें ये की आएगी, अभी हम इसमें चलेंगे ना लाइव पे, सॉरी इस पे चलेंगे इस लाइव पे, तो ये जो की दिख रही है यहाँ पे जो की लिखी ना, ये लिखी है डिफॉल्ट की भी, इस की को हम कॉपी करके वहां पेस्ट करेंगे तो वो दिखेगा चलता हुआ, ठीक है, फिर वो यहाँ से कनेक्ट होगा सॉफ्टवेयर से, ये हमने लिए, यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना बाद में। आउटपुट में देखें, आउटपुट पे 3000 kbps और ऑडियो बिटरेट 128 ही रखें आप हमेशा, तो क्या होगा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये ब्लॉक बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इन केस आपके पास, आप जो गूगल मीट चला रहे हैं और वो लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और अब मजबूरी है रिकॉर्डिंग करनी है हमें, और जब बड़े कार्यक्रम हो तो ये दिखना चाहिए लाइव रिकॉर्ड, इससे क्या होता है आपके आपका इवेंट बहुत अच्छा नजर आता है, भाई आपका लाइव भी चल रहा है कार्यक्रम और रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है ये चीज। लेकिन कभी मजबूरी ऐसी होती कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रिकॉर्ड करनी है, ऑप्शन स्क्रीन रिकॉर्ड करनी ही है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इस ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पर पाथ देते पहले, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाता है और एक रिकॉर्डिंग का जो स्पेस है लगभग 2 से 2.5 GB ले लेता है ये, तो सी ड्राइव ना दे, सी ड्राइव क्योंकि अनावश्यक फिल होगी और फिर सिस्टम की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो आप यहाँ से, जैसे मैंने एक बना के रखा फोल्डर, ये OBS स्टूडियो रिकॉर्ड के नाम से, तो इस पे क्या सारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना ये चीज है। अब एक और है रिकॉर्डिंग सेम एज ए स्ट्रीम, ये ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना आपको, यहां ध्यान देने वाली बात है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट ये MP4 नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ये होता है FLV या MKV फॉर्मेट, तो इसको कन्वर्ट करने बहुत प्रॉब्लम होती है, ये एडिटर्स में नहीं खुलता। जैसे आप एडिटर लेंगे, जैसे आप ले रहे हैं एडिटर में फिल्मोरा सॉफ्टवेयर ले रहे हैं आप एडिट करने के लिए, प्रीमियर सॉफ्टवेयर ले रहे हैं एडिट करने के लिए, ठीक है, या आप विंडोज मूवी मेकर का यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मेट की फाइल ओपन ही नहीं होती, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है ओपन होने में, ठीक है। क्या आप देखो CD में आपको राइट करना डेटा या DVD में राइट करना, तो लिमिट क्या है CD DVD की, CD 700 MB की होती है और DVD क्या होगी 4 GB 20 MB की होगी, तो उसमें कई बार ऐसी फाइल्स नहीं आ पाती, तो इसका हम इसमें करते हैं MP4 बाय डिफॉल्ट। क्या MP4 डायरेक्टली एडिट हो जाता है इजीली, हल्का फॉर्मेट है, यूनिवर्सल फॉर्मेट है, हर सॉफ्टवेयर इस फॉर्मेट को गेट करते हैं, इसको आप सेट कर दीजिए, ठीक है। ऑडियो आउटपुट का रेशियो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए जैसे लिखा ना रेट 48 kHz ये रहना चाहिए हमारा, ठीक है, और बस ठीक है इतना, ये बहुत जरूरी है, और ये बाय डिफॉल्ट अपने आप होता रहता है, अगर आप हेडफोन लगाएंगे तो हेडफोन या डिफॉल्ट पे चले गए, ठीक है, ये चीज है, ये रखना बहुत जरूरी है। वो चैनल को आप रखिए स्टूडियो चैनल, ठीक है, हो गया। अब वीडियो फॉर्मेट देखते हैं, वीडियो फॉर्मेट तो सेम है, जैसे हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन ये है, जो यूट्यूब का HD होता है वो होता है 12, ठीक है, 1280 बाय 720, ठीक है, 1280 क्या होगी स्क्रीन की विड्थ और हाइट क्या होगी 720,
इस बिट रेशियो पे चलता है एच डी फॉर्मेट, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड भी होगा तो एच डी फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगा हमारा वीडियो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, केवल ओके पे क्लिक करना है बस। इतनी सेटिंग हमें ध्यान देनी पड़ती है। अगर ये सेटिंग आपने प्रॉपर करी है तो फिर आपकी स्क्रीन अच्छी से यूट्यूब पे शेयर होगी, नहीं तो अगर सेटिंग अगर आप नहीं करते तो कई बार होता है ये कि सिर्फ वीडियो वहां जाता, ऑडियो नहीं जाता, फिर बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है, उसमें नो ऑडियो, ऑडियो प्रॉब्लम, टेक्निकल, ऐसे बहुत मैसेज आते हैं लगातार, ठीक है, और बहुत एम्बेरसिंग होता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और लो ऑडियो नहीं नजर आ रही है। तो ये टेस्टिंग कर लें पहले, एक दिन पहले, और उसके बाद उसको आप डाल सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं लाइव करने जा रहा हूँ स्टूडियो रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन है। ये फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे चैनल पे चलता हूँ वापस में, ठीक है। माना कि अब हमें करना है, कैसे करना है वो देखिए। देखिए मैं आपको जो चैनल है इसका मैं लिंक भेज रहा हूँ सभी को, ठीक है। ये मैंने लिंक भेजा, ठीक है, सभी लोग देख पाएंगे, मुझे बताएंगे कि वाकई में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक सर दिस इज है, ठीक विजिबल, देख है। अभी विजिबल, लेकिन उसमें कुछ यस नजर नहीं आ रहा होगा चलते हुए ना, अभी उसमें ये दिखा रहा है कि पेज यस स्टार्ट होने वाला है ना। अब मैं स्ट्रीम करके दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट, है ना जी, ये आ गया है। जैसे अब मैंने ओपन किया, सपोज मैं ओपन करने वाला हूँ, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये, और यहाँ पे गो लाइव पे हम चलते हैं। जैसे ही गो लाइव पे चलेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या नजर आ रहा है। ये देखिए आ गया, ये लिखा अपकमिंग, ये सॉफ्टवेयर स्ट्रीमिंग 21/5, ये सब लिखा, पब्लिक में है ये, और ये सब दे दिया, ठीक है। मैं इस पर टिक करता हूँ और यहाँ बीच में क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे बॉक्स खुल जाएगा हमारा स्टूडियो। अब स्टूडियो से क्या करना है, नीचे स्क्रॉल, देखिए अभी देखिए एक व्यूवर्स ने देखा है यहाँ पे है, वेटिंग पे है, वेटिंग कोई कर रहा है भाई, ये सब दिखाता है, ये लाइव है ना, अगर कोई चैट करेगा चैट यहाँ पे आएगा क्लियरली, ठीक है, हमें भी नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डिफॉल्ट स्ट्रीम की लिखी ना, यहाँ से यहाँ सिर्फ कॉपी क्लिक करना आपको, देखिए क्लिक किया हमने, ये नीचे देखो लिख के आएगा हाँ जी सक्सेसफुल कॉपी, लिखा था ना अभी जी, ये कॉपी हमने कर लिया। अब हम इस पे चलते हैं, ये हमारा जो चल रहा है चैनल, ठीक है, और सपोज मैं एक काम करता हूँ कि चैनल को ना चला के एक, चलिए ठीक है, ये ठीक है, ये स्क्रीन ही शेयर करूँ डायरेक्टली मैं। मैंने ये ओपन किया, कर दिया ओपन ये बॉक्स, अभी आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सेटिंग्स पे जाके इसकी स्ट्रीम को पेस्ट करने वाला हूँ मैं। सर एक मिनट में आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। जी जी बताइए मैडम, किसी का मोबाइल म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने अपने मोबाइल। ओके सर कह रही हूँ। देखिए हमने ये कर लिया, अब स्ट्रीम ऑप्शन पे चलना है और जो स्ट्रीम की लिखी यहाँ पेस्ट करना है, ये मैंने किया पेस्ट, और मैंने किया ओके, और यहां से करता हूँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग, ठीक है, ये मैंने स्टार्ट की स्ट्रीमिंग, क्योंकि मैंने सेटअप ऐसे करके रखा कि स्टार्ट के साथ ही रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसकी स्क्रीन भी हमारे सिस्टम पे एक रिकॉर्ड होते चली जाती है। देखिए ये आ रहा ऑप्शन है यहाँ पे, स्पीड जरा कम है, अब मोबाइल है छोटा सा ना, जो भी चीज चल रही है। अब मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये भी ले रहा है, देखो कनेक्शन एक्सेलेंट कनेक्शन बोल दिया इसने क्लियरली, मतलब मेरा मोबाइल का जो इंटरनेट बहुत ही अच्छा है ना। ये देखिए ये गो लाइव ऑप्शन है, ये कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर गो लाइव,
अब देखिए यहाँ पर भी गो लाइव ऑप्शन आएगा, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर में ये लाइव दिखेगा और हम यहाँ से क्लिक करेंगे लाइव ऑप्शन पे। ये देखिए प्रीव्यू आ गया, यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं, यहाँ पे लाइव पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखिए क्या आपको ये स्क्रीन लाइव दिखाई दे रही है यूट्यूब में? यूट्यूब में आपको ये लाइव स्ट्रीम दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो यूट्यूब पे लाइव जा रहा है। अब मैं यहाँ से ये बेटा ऑप्शन ओपन ओपन किया हमने इसका, ठीक है, ये भी आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है सभी को? यूट्यूब पे लाइव भी दिख रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी दिखाई देगा, हम जो डिस्कशन करेंगे वो भी दिखाई देगा। इस तरह से हमने क्या सीखा, यूट्यूब पे किस तरह से हमको लाइव करना है इवेंट को, ठीक है। तो अब आप ये इजिली कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात और भी है, जब आपका ये इवेंट खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान से क्या करना है, स्टॉप स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है, नहीं तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। और फिर तुरंत जाके आपको क्या करना है, यहां पे जाके आपको एंड भी करना है स्ट्रीम, ठीक है। ये एंड की हमने, अगर एंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो लगातार सबको दिखाई देगी स्ट्रीम, ठीक है। इसलिए यहां से डिसमिस, देखो हमने ये किया डिसमिस, अब इसमें कितने व्यूवर ने देखा, एक व्यूवर ने देखा, और ये अंजलि मैडम ने हेलो लिखा, हम भी यहां से रिप्लाई कर देते हैं हेलो, ऐसे ये लगातार वो भी चलता कि भाई इवेंट में क्या चल रहा है, हम उसको रिप्लाई करते, फीडबैक, ये सारा चीज चलती रहती। और ये देखिए कब से कब तक चला, यहाँ पूरा चैनल दिखा दिया, 3:17 से चला, 3:19 पे इसको बंद कर दिया गया, ये पिन हो गया ना यहाँ पे, ये ऐसा, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद है कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर भी OBS स्टूडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई, किस तरह से सेटिंग करनी मैंने ये कर दी है, इसका वीडियो भी YouTube पे डाल दिया जाएगा, ताकि आपको ये पता चलेगा कि भाई अगर कहीं स्टेप छूट जाते तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है, देखकर। और किसी कुछ पूछो तो बताइए मुझे। अगर कोई क्वेश्चंस किसी के मन में है, कोई पार्टिसिपेंट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सर से कनेक्ट हैं, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं। सर एक्चुअली देयर इज नो क्वेश्चन, पर सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। इन केस अगर हम यूट्यूब में अपना चैनल बनाते हैं तो क्या सिर्फ हमारा ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल के थ्रू ही हम बना सकते हैं किसी नंबर के थ्रू, या हम किसी और भी तरीके से अपने चैनल, क्योंकि मोबाइल नंबर देने से एक हमारा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है मैडम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आपने ये कर लिया है ना, हाँ जी, तो ये आपका चैनल सिक्योर होगा, हो गया है। Okay. किस तरह सिक्योर हो गया, आपके अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता। देखिए okay, अगर गूगल की सिक्योरिटी की बात करें, गूगल का जो सिक्योरिटी ऑप्शन है ना, हाँ जी सर, तो गूगल सिक्योरिटी ऑप्शन में 2-way वेरिफिकेशन होता है, 2-step वेरिफिकेशन। okay. यहाँ तक कि आप लोग सभी व्हाट्सएप पे भी आप 2-way स्टेप्स करके रख ले, अगर व्हाट्सएप आप चलाते हैं, ठीक है, वहां पे भी 2, अगर कोई डिवाइस जैसे आपको नहीं पता और आपका कहीं ओपन रह गया डिवाइस में, ओके सर, तो अगर कोई ओपन करने की कोशिश करता तो आपके मोबाइल पे क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा, ईमेल पे ओटीपी आएगा। हाँ जी, जब तक आप वहां से वेरीफाई नहीं करेंगे yes, तब तक ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये 2-step वेरिफिकेशन है। अच्छा, मतलब वो डालने से तो सिक्योर हो जाता है हमारा चैनल जी। ओके सर, इट मींस मोबाइल से अगर हम नंबर से कनेक्टिविटी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है, वो सिक्योर होता है, उससे सेव हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। और वैसे भी उसने क्या बोला, अभी आपको दिखाया था मैंने, हाँ जी सर, कि चैनल जैसे हमने क्रिएट किया तो क्रिएट करने के बाद उसने एक वेरिफिकेशन कोड दिया हमारे मोबाइल पे, और जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे चैनल ही क्रिएट, मतलब कोई फेक नहीं बना सकता, कोई फेक नहीं, और क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, आधार कार्ड से लिंक कर दिया है सभी चीजों को, ठीक है। यस सर, इसीलिए आधार से लिंक हो गया है तो मोबाइल नंबर भी ट्रेस है। अगर कोई यूट्यूब चैनल बना के कोई काम करता है तो मोबाइल नंबर से उसका सारा बायोडाटा ओपन इजिली हो जाएगा, बच नहीं सकता कहीं भी। यस सर, ठीक है। okay. और भाई डर सभी को किस चीज का होता है, हमेशा एक बात याद रखिए, डर सभी को ना उससे नहीं होता, परेशानियों से। जब भी कोई गलत काम करता है ना, उसको वही डर होता है,
कि वो काम कहीं गलत जो किया है वो ना खुल जाए, ठीक है, इसलिए डर इस बात का होता है। तो अब अगर अपन ने सिक्योर करके रखा तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता, ठीक है। यस सर, और कोई पूछना चाहे कुछ सर? एक्चुअली या किसी के पास कोई, अगर किसी के पास कोई थॉट है, नई चीज किसी के पास है, वो भी शेयर कर सकता है अभी। कोई अगर शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर शायद किसी के मन में कोई क्वेरी नहीं है। आपने इतने अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन किया कि एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब लाइव वीडियो होता है और कभी कभी कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो अनवेबल टाइप के होते हैं, जो अनचाहे होते हैं, तो उनको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं हम, कमेंट्स ऑफ करने का ऑप्शन? नहीं, वो खुद ही, नहीं नहीं, गूगल को खुद ही ब्लॉक कर देता, परेशान मत होइए। अच्छा, ओके सर, उससे बिल्कुल परेशान ना, गूगल खुद ही उसको ब्लॉक कर देता। और अब देखिए, अच्छे काम करने निकलेंगे ना तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, उनको इग्नोर ही करना होता है। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग की, ठीक है, एक लाइव स्ट्रीम तैयार की और वो इवेंट हमारा होना है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो लोग अभी से उसको डिसलाइक करना शुरू कर देते, डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, उसको, उसमें बैड कमेंट अभी, जबकि होना आगे कार्यक्रम तो हो जाने वाला है, और उसमें देख लो क्या है, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करें। लोग पहले से ही चीजें करने लगते, तो ऐसी प्रवृत्तियां होती कई लोगों की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे में बढ़ना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। किसी और को भी विचार? थैंक यू सर। अंजलि जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया और सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सभी को प्रोवाइड की, जो निश्चित ही किसी भी वेबिनार को, किसी भी चैनल को लॉन्च करने में हमको निश्चित ही हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हमारे कल भी, चूंकि आपको मैंने बताया कि ये हमारा प्रोग्राम 7 days का है, तो कल के लिए भी हमारे एक रिसोर्स पर्सन है, मैम मिसेस मनोरमा चौहान है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंदौर से हैं। ये गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन और फीडबैक क्विज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। तो आप लोग इसी तरीके से इस FDP प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए, क्योंकि शायद ये आप लोगों को बहुत ही टेक्निकल स्ट्रांग बना देगा, और 7 days के बाद जब आप किसी से मिलेंगे तो आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ डिपेंड होके अपने किसी भी प्रोग्राम को खुद से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और प्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे इंस्टीट्यूशन को दिया, तो मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच नितिन सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।